हाँ तुम्हें लोग कैसे हो? तुम्हें लोग आज अपन करने वाले एसर नाइट्रो 7 i5 9th जनरेशन और 144 Hz 1660 Ti का गेमिंग टेस्ट। और गेमिंग टेस्ट के अलावा मैं यहाँ बैटरी ड्रेन टेस्ट भी करने वाला हूँ, 99 to 100 और सॉरी 99 to 1 या 2% ऐसा कुछ, 99 तो है। और ये अभी बता रहा है कुछ 6 आवर चलेगा, पर अपन इस पे स्प्रिंट मड रनर का यानी गेम प्ले करने वाले हैं, तो देखते कितनी देर तक के चलने वाला है ये। तो चलो यार गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं, मैं एक्सटर्नल वो चला रहा हूँ, माउस और कीबोर्ड। तो ये हमारा गेम, और मैं कुछ सेटिंग कर लेता हूँ, वॉइस बढ़ा देता हूँ। तो हम यहाँ पे चलाएंगे परफॉर्मेंस मोड पे, नहीं बेस्ट परफॉर्मेंस। और यहाँ पे मैं नाइट्रो सेंस भी ऑन करके बताता हूँ आपको। तो नाइट्रो सेंस में कैसा क्या चल रहा है, तो अपने सारे पंखे तेज स्पीड से घूम रहे हैं, और ये अपना टेम्परेचर है, सीपीयू जीपीयू अपने यहीं से चेक कर लेंगे, और एक बार मैक्स करके बताता हूँ क्या साउंड आता है भाई। मतलब भाई मज़ा ही आ रहा होगा मैक्स हो तो ऑटो कर देते अपन। और यहाँ पे अपन बैटरी पे चला रहे हैं, तो बैटरी पे जो एसर ऑप्टिमाइज़ किया है उसी पे बैलेंस पे चला रहे हैं, हाई परफॉर्मेंस पे नहीं चलाएंगे, तो माइनस कर देते हैं, गेम पे चलते हैं अब। और अभी मैं यहाँ पे स्टॉप वॉच ऑन कर देता हूँ, जैसे कि अभी 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 मैंने स्टॉप वॉच ऑन की है, और अभी अपनी बैटरी का परसेंटेज है 99, और वो भी बेस्ट परफॉर्मेंस पे चल रहा है। तो देख सकते कुछ 9 सेकेंड हो चुके हैं, तो चलो यार गेम में चलते हैं। तो चलो यार गेम स्टार्ट करते हैं, ब्रेक हटा दिया, चलो मैं दो। तो अपन कुछ टाइम टाइम पे यानी टेस्ट करेंगे कि 30 मिनट पे कितने परसेंट बैटरी हुई लैपटॉप की, और 1 घंटे पे ऐसा कुछ। और एक और बता दूँ, ये जो हमारा जो एसर नाइट्रो 7 है 1660 Ti वाला i5 9th जनरेशन, तो इसमें एक ऑप्शन आता है कि बैटरी पे लोड ना पड़े, उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि जैसे प्लग इन हटाया अपने चार्जिंग पे से हटाया, तो उसी के टाइम पे चार्जिंग से हटाने के बाद हर कोई भी गेम उसमें 30 FPS से ऊपर नहीं जाएगा। उससे क्या होगा कि अपनी जो बैटरी रहती है लैपटॉप की उस पर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वो कम यानी बैटरी कंज्यूम करेगा, तो यानी बैटरी की लाइफ ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर जो उसके ऊपर 60 FPS है उससे ज़्यादा निकालेगा वो, तो फिर बैटरी के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए लैपटॉप की जो असली परफॉर्मेंस होती है वो सिर्फ चार्जिंग पर निकलती है। तो वही है यार, लैपटॉप इतना महंगा लिया भाई लैपटॉप गेमिंग के लिए, तो चार्जिंग पे रख के चलाओ ना, जो बैटरी में क्या ऑल टाइम तो लाइट रहती है। तो ये 4x4 गेम है, और ये पायरेटेड गेम है, मैंने डाउनलोड नहीं किया, मैंने कैसे देखे नहीं किया, पायरेटेड है। तो अब दूसरी गाड़ी भी चलते हैं अपन, ट्रक पे। तो भाई एक और बात बता दूँ, ये जो गेम चल रहा है सारी हाई सेटिंग पे चल रहा है ना, जितनी भी सेटिंग रहती है शेडो वेडो सब पूरी हाई पे है। और ये जो ट्रक देख रहे हो ना तुम, 8x8 यानी चारों आटो टायर एक साथ चलेंगे, तो भाई ये इस गेम का एकदम टॉप लेवल का ट्रक है। और भाई ग्राफिक देखो भाई, खतरनाक ग्राफिक है, एकदम मज़ा आ जाता भाई गेम खेलने में तो। और अभी जब वो GTA 5 फ्री में रहा था उस टाइम पे तो मैंने लिया नहीं, तो अभी मैं बाय करूँगा कुछ ही दिन में, फिर उसकी गेम प्ले वीडियो आएंगी। और भाई एक और बता दूँ, अगर किसी को भी लेना होगा ना एसर नाइट्रो 7, ये जो मेरे पास है i5 9th जनरेशन 1660 Ti, तो भाई ये वाला ले लो। और जो अभी जो नया आया ना आसुस का टफ A15 जिसमें 1650 Ti डला है, तो उस अगर जब हुआ हो तुमको देखना है तो भाई अमेज़ोन पे जाके उसके रिव्यू देख सकते हो कितने बेकार आए, कि 3.5 स्टार से तो ऊपर कोई गया ही नहीं है, 3 स्टार 2 स्टार ही है ज़्यादा से ज़्यादा। तो भाई देख लो यार, और अपने नाइट्रो के जाके देख लो, 5 स्टार है।
हाँ तो अभी होने वाले हमारे, अभी होने वाले 15 मिनट, तो हम 15 मिनट के बाद चेक करेंगे क्या चल रहा है लैपटॉप का। और ये हो गया 15 मिनट, तो हम चेक कर लेते कितना है। तो हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस, मैंने 4 लेवल होते हैं, बैटरी सेवर, फिर यहाँ बेस्ट बैटरी, फिर आता है बेटर परफॉर्मेंस, और उसका आता है बेस्ट परफॉर्मेंस। तो बेस्ट परफॉर्मेंस पे हमारा लैपटॉप हुआ 15 मिनट में डिस्चार्ज हो गया, 86 बचा है, 98 से 14% डिस्चार्ज हो गया है, 99 था, 14 नहीं 15 जो भी बोलो, तो 14% डिस्चार्ज हुआ है। तो चलो यार फिर से हम गेम पे चलते हैं हमारे, और भाई इस लैपटॉप के रिगार्डिंग आपको जितने भी वीडियो चाहिए भाई कमेंट कर देना, बायोस अपडेट या फिर कोई भी ग्लिचेस या कुछ भी हो रहा होगा लैपटॉप में, तो भाई मैं वीडियो लाने की बहुत कोशिश करूंगा आपके लिए, बस कमेंट कर देना। और एक और बता दूं भाई, इसके रिगार्डिंग जितने भी FPS वीडियो है ना, जितने टाइप की भी वीडियो डलती है लैपटॉप पर ना, उस टाइप की डालूंगा, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और लाइक नहीं हो तो लाइक भी कर देना यार। तीस मिनट हो गए बैटरी, सो तो गाइस हमारा 1 आवर कंप्लीट हो गया लगातार गेम खेलने के दौरान, और अब हम देख लेते हैं हमारे पबजी मोबाइल, सॉरी पबजी मोबाइल क्या बोल रहा, हमारे लैपटॉप में कितनी बैटरी बची हुई है। हमने 30 मिनट्स पे कुछ चेक किया था, तो 30 मिनट कितनी थी, 86 ऐसे कुछ थी, और अब 1 आवर पे चेक कर रहे तो अभी कितनी बैटरी है। रुको मैं से कैंसिल कर देता हूँ नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन कचरा। तो हम यहाँ पे देख लेते हो, तो हमारा 1 आवर कंप्लीट गेमिंग खेलने पे हमारा कुछ चार्जिंग है 45 मिनट्स, यानी 45% चार्जिंग है। और एक और बता दूँ यार कि जो आप यानी कोई भी गेमिंग लैपटॉप लेते हो, तो भाई मुझे तो सही लगा है लैपटॉप, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम चल रहा था और आसुस टफ सीरीज़ भी आ रही थी, तो उसका तो मैंने पहले बता दिया कैसे कैसी है वो टफ सीरीज़। और एक और बता दूँ भाई, जो रिव्यू होता है यानी जो बड़े बड़े यूट्यूबर रिव्यू करते थे, वो तो अच्छा ही बोलते हैं, कौन बताते हैं, पर उसको यानी ऐसे बताते हैं कि अपने को अच्छा लगता है वो, तो भाई जो रियल ओपिनियन होता है ना भाई, वो कंज्यूमर के पास रहता है ना, जो अमेजोन पे लेते हैं बंदे, उनके हाथ में ही रहता है कि कैसा लग रहा है उनको, उनके स्टाइल डिपेंड करते हैं कैसा प्रोडक्ट है। तो रिव्यूअर तो 1 स्टार वाले को भी टॉप पे बता देते हैं, भाई बहुत अच्छा, भाई बहुत अच्छा है। तो अब हो चुके हैं हमारे 1 आवर 29 मिनट्स कम्प्लीट, और भाई एक और बता दूँ मैं तो इसे यानी इसमें एक अच्छा सिस्टम दिया है आसूस ने, कि आपका जैसे ही बैटरी यानी प्लग इन हटाती है अपने बैटरी से, उस टाइम पे 30 FPS आ जाए, क्योंकि अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा हमारा लैपटॉप, तो भाई बैटरी पे बहुत लोड आता है और उसके कारण बैटरी की लाइफ भी कम हो जाएगी, और अगर जब हम गेम नहीं खेल रहे नॉर्मल यूज़ कर रहे हो, तो भाई उसमें तो 3 से 4 घंटे चली जाता ही है, तो भाई वो भी लाइफ नहीं बचेंगी, इसलिए इसमें सही है कि ज़्यादा यानी पावर नहीं लेता है ये, बिना उसके यानी चार्जिंग से हटा दो तो ज़्यादा पावर गेम को लेने ही नहीं देता है, तो 30 FPS पे चलता है, मस्त चलता है, अपने को कोई लैग वैग नहीं मिलता, अरे भाई एकदम सही है चलता है। मैं चला रहा हूँ अभी 30 FPS में, तो भाई मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, मैं 120 FPS भी चलाता हूँ, 144 FPS पे भी चलाता हूँ, और 10 साइकिल गेम तो 250 FPS पे भी चल रहा था, तो इनके भी रिव्यू लाऊंगा मैं बहुत जल्दी। तो अभी हम चार्जिंग देख लेते हैं 1 घंटे 30 मिनट में कितनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे फ़ैन की स्पीड, जीपीयू टेम्परेचर, सीपीयू टेम्परेचर, तो भाई जीपीयू का भी टेम्परेचर आप देख लो 50 है, और सीपीयू का भी, और बैटरी हमारी बची 13%। तो भाई मैं तो सजेस्ट यही करता हूँ कि अगर आपकी मोबाइल की या फिर लैपटॉप की बैटरी 13% 15% आ गई, तो भाई इससे आप ट्रेन मत करो उसे, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं यानी बहुत, और ये फैक्ट भी होगा कि मोबाइल को ज़्यादा डिस्चार्ज करते हो उनकी एकदम लास्ट लिमिट तक की बैटरी को डिस्चार्ज करो, तो भाई वो उसकी हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। तो भाई ये तो हो गया हमारा चार्जिंग टेस्ट, और अब हम देख लेते हैं 1 आवर 36 मिनट में कितनी हमारी चार्जिंग बचती है, तो कुछ 6 मिनट हुए थे, और अभी हमने 1 आवर 30 मिनट्स पे चार्जिंग टेस्ट किया था, तो कुछ हमारे कितना परसेंट था, 13% था, 13 या 14% था। तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि मुझे यहाँ बटन नहीं मिलती है, यहाँ पे क्या होता है मेरा कैमरा एंगल F2 से होता था, ये कैमरा एंगल यानी सीधे कार को बताता था, तो मेरे को क्या लगा यानी मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया ये, और मुझे यही वीडियो एंड कर दो, ज़्यादा यानी बैटरी लूज मत करो, तो मैंने यहीं पे 1 आवर 37 हो जाते होंगे शायद, तो यहाँ पे 8 यानी कुछ 4-5% हमारी बैटरी लो हो गई। तो ये था हमारा बैटरी ड्रेन टेस्ट, और अगर आपको इसके रिगार्डिंग और वीडियो चाहिए, तो भाई कमेंट कर देना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी के रिगार्डिंग में वीडियो लाऊंगा, और GTA 5 भी अभी कुछ ही दिन में बाय करूंगा, फ्री में तो मिला नहीं,
विराट अडावा वैसे लेटर।